GSTR 3B का ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हर मंथ का जो टैक्स बनता है वो टैक्स जमा करवाना है। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टैक्स जमा करवा लिया है, क्योंकि अमाउंट आपको जमा करवाना ही है। अगर 3B नहीं भी शो हो रही तब भी पहले मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ। यहाँ पे चलान हिस्ट्री पे आना है, चलान हिस्ट्री के ऑप्शन पे आके आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखाता हूँ कि ये जो अभी है मैंने चलान अमाउंट सबमिट करवाया है, जैसे कि 35% कहा गया है कि कम से कम सबमिट करवाने, हालांकि मैंने सारा अमाउंट सबमिट करवा लिया है, 30% से ज्यादा ही करवाया। और यहां पे देखिए अगर आप देखेंगे तो नया ऑप्शन आया जो कि इससे पहले किसी में भी नहीं ये शो होता था, और अब यहां पे अगर आप यहां पे पेमेंट करते तो यहां पे ये इस तरह का ऑप्शन बन के आ रहा है। बट चलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको जो है चलान किस तरह का क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है सभी बताता हूं, क्योंकि यहां पे 35% कम से कम जो है आपको अमाउंट जमा करवाना ही होगा। तो चलिए सबसे पहले सर्विस के ऑप्शन पे आना है आपको। सर्विस के ऑप्शन पे आके वही है, सेम प्रोसीजर है जैसे पहले हुआ करता था कि सर्विस के ऑप्शन पे जाके पेमेंट पे जाना है, पेमेंट पे जाके क्रिएट चलान करना है। ऑप्शन सारा के सारा वहीं पे है, लेकिन नया क्रिएट चलान अब कुछ अलग तरह से होगा। सबसे पहले जैसे आप क्रिएट चलान पे जाओगे, देखिए ऑप्शन यहाँ पे दो मिलेगा, एक मंथली पेमेंट ऑफ क्वार्टरली रिटर्न और दूसरा मिलेगा एनी अदर पेमेंट। अगर कोई अदर पेमेंट आप करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन है, यहाँ से प्रोसीड करके आप अपना अमाउंट सबमिट करवा दीजिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम का है अगर आप GSTR 1, GSTR 3B आपके तो शो नहीं हो रही, और GSTR 3B का टैक्स जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि कम से कम 35% आपको जमा करवाना है, नहीं तो वो बाद में क्या लेगी आपसे, पेनल्टी। तो पेनल्टी से बचने के लिए हर किसी को जो है मिनिमम सिलेक्ट सबमिट करना है 35%। तो फर्स्ट ऑप्शन को चुनना है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, मतलब क्या हुआ, क्वार्टरली रिटर्न जो अब आपकी जो हो गई है 3B, जो क्वार्टरली रिटर्न में शो होगी उसका मंथली पेमेंट कर रहे हो, तो पहले महीने का जनवरी का पेमेंट करना है। यहाँ पे जनवरी सिलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। अब जैसे ही यहाँ पे ऑलरेडी सब चीज सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पहुंचते हो, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 35%, मतलब क्या, जैसा एज पर गवर्नमेंट गवर्नमेंट का कहना है कि आपको कम से कम जो है 35% अमाउंट GST का जमा करवाना है, जैसे जनवरी का अभी, और जनवरी का मेरा अगर जितना भी टैक्स बनता है उसका 35% जमा करवाना, तो 35% को सिलेक्ट करके प्रोसीड करके आप अपना जमा कर सकते हो अगर 35 है। बट मैं क्या करूंगा इस केस में कि मैं पूरा अमाउंट जमा करवा दूंगा और थर्ड महीने में, ताकि आराम से, अगर आपके पास अमाउंट पूरा नहीं है तो कम से कम 35 आप भी जमा करवा दीजिए, और नहीं तो उससे कम भी जमा करवाना चाहे, उससे ज्यादा जमा करवाना चाहते तो यहां पे आपको क्लिक करके आपको इसे प्रोसीड पे करके आपको जो है इस ऑप्शन पे आ जाना। ये ऑप्शन पूरा पुराने जैसा है, लेकिन यहां ध्यान सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना वो मैं बताता हूं। सबसे पहले ये आपको याद होगा CGST, IGST, SGST, जिसमें जैसा अमाउंट है वैसे भर दीजिए। एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया कि CGST में 500 का टैक्स बन रहा है, IGST में 500 का, और SGST में 500 का, तो ये तो 1500 हो गया मेरा टैक्स अमाउंट। तो जो आपका अमाउंट होता है वो अमाउंट भर दीजिएगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नया चीज यहाँ पे क्या है, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे दिखाया है ऑप्शन में, 35% हर महीने का आपका टैक्स अमाउंट का भरना ही है। ये लेट फी का ऑप्शन है और वो पेनल्टी का ऑप्शन है। लेट फी में वो लेट फी वाली बात है, अगर रिटर्न आपके लेट जा रहे तो लेट फी जो होता है वो लेट फी वाले कॉलम में भर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा था वैसे ही है। पेनल्टी वाले पे आपको ध्यान देना है कि पेनल्टी में क्या करना है, आपको 35% हर महीने का भरवाना है। अगर 35% आप कम से कम टैक्स नहीं भर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि क्वार्टरली एक बार में भर दूंगा, और क्वार्टरली क्योंकि GST 3B का ऑप्शन है नहीं, 3B का ऑप्शन आएगा 3 महीने बाद क्वार्टरली बेस पे, तो क्वार्टरली में अगर आप तीनों महीने का, पिछले दोनों महीने का टैक्स और इस महीने का, तीनों का अगर जमा करवाते हो तो वहां पेनल्टी जो लगेगी वो उस कॉलम में भरोगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे नेट बैंकिंग का ऑप्शन, ई पेमेंट से अगर नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करना चाहते हो तो सिलेक्ट करके यहाँ पे जनरेट चलान करना है। जनरेट चलान करने के बाद आपको बैंक मिल जाएगा, बैंक अपना सिलेक्ट करके यूजर नेम पासवर्ड इंटरनेट का डाल के और आप अपना अमाउंट सबमिट करवा दीजिए। दूसरा ऑप्शन है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर में आपको ये जो है मतलब काउंटर पे जाके जमा करवाना है, जिस बैंक से जमा करवाना है वो बैंक सिलेक्ट करके कंप्लीट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, चलान क्रिएट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा NEFT, जो कि मैं खुद बनाने वाला हूँ। NEFT और RTGS से पेमेंट करूंगा, और मैं जिस बैंक से जाके करने वाला हूँ, जिस बैंक के थ्रू, वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के थ्रू करूंगा, तो यहाँ पे जो भी बैंक है उसे सिलेक्ट कर लेना है आपको। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, नीचे ऑप्शन आ जाएगा, सभी में ऐसी ऑप्शन आता है जनरेट चलान करते हैं, यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। नीचे स्क्रोल करिए, इसे करिए डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसका प्रिंट ले लेना और जाके बैंक में आपको जो है जमा कर देना है। तो ये बिल्कुल सीधा और सिंपल था, इसमें कहीं पे भी कुछ नहीं है। बस शुरू में आपको ये याद रखना है कि अगर 35% आप जमा करवाने वाले तो 35% को आपको सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आप पूरा पेमेंट भी कर सकते हो। और 35% अगर आपने जमा नहीं करवाए तो बाद में पेनल्टी लगेगी, तो पेनल्टी के ऑप्शन में जो मैंने बताया वहां से आपको पेनल्टी के पैसे जमा कर देना है। आई होप ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी।